अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट नेमत अल्लाह। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं। वीडियो बनाने का मकसद आपको ये बताना है कि कांच मास्टर से थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो आज हमारी यही वीडियो रहेगी। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल टेक्निकल नेमत टिप को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कांच मास्टर को ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। इस तरह का इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने सबसे पहले इस पर बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होता है कि आपने किस बैकग्राउंड पर थंबनेल बनाना है। तो हमने मीडिया पर आना है। मीडिया पर आने के बाद हमने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, पर सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसमें पिक ऐड करनी है, तो आपने लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इमेज, तो आपने इमेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने बहुत सी पिक को डाउनलोड कर रखा है, तो मैं यहाँ पर पहली पिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर इसे मैंने एडजस्ट कर देना है। मैं यहाँ पर ये पिक और सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसे ऐड कर देता हूँ। पर जाएंगे तो हमारे पास एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, हमने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमने लिखना है हाउ टू क्रिएट। छोटा सा लिखेंगे क्योंकि ऊपर जगह थोड़ी है। हाउ टू क्रिएट ये लिखने के बाद हमने इसे डन कर देना है। यहाँ पर इसे इस जगह के लिहाज से हमने इसे बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद हमने इसका कलर चेंज करना होता है, तो हमारे पास ये ट्रिम के ऑप्शन के साथ हमारे पास एक कलर का ऑप्शन आ रहा है। हमने इसका कलर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। हम रेड कर देते हैं। रेड करने के बाद हमने इसे डन कर दिया। हमने राइटिंग को थोड़ा प्रोफेशनल बनाना है ताकि हमारा जो थंबनेल है वो ऐसा लगे कि अगला जो वीडियो देखने वाला है वो क्लिक किए बिना रह ना पाए, तो हमने इसे प्रोफेशनल बनाना होता है। तो हम नीचे आएंगे, तो मैं यहाँ पर रोबोट ब्लैक पे क्लिक कर देता हूँ, जो सेकंड ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने इसे डन कर देना है। यहाँ पर देखें तो कितना खूबसूरत बन चुका है। तो आप इस तरह इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। अब नीचे हमने लिख ये तो लिख लिया हाउ टू क्रिएट, क्योंकि हमने लिखना है फेसबुक पेज। फेसबुक को थोड़ा बड़ा लिखना है क्योंकि हमने फेसबुक पेज के लिहाज से बनाना है ताकि ये नज़र आए। फेसबुक हमने एक अलग से लिख लिया, फिर इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर इसे हमने बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद हमने इसे एडजस्ट यहाँ पर कर देना है। फिर हमने इसका कलर रेड करना है। रेड करने के बाद फिर हम ऐसा करेंगे, इसका जो है राइटिंग को सिलेक्ट करेंगे, प्रोफेशनल राइटिंग को सिलेक्ट करेंगे। फिर सेकेंड पे ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन पे आने के बाद हमने इसे डन कर देना है और ऐसे हमने लिख लेना है। फिर हमने नीचे लिखना है हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज, हमने पेज फिर लिखना है। फिर हमने लेयर पर जाना है, फिर टेक्स्ट पर जाना है। यहाँ पर लिखेंगे पेज। पेज लिखने के बाद इसे हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद इसका हमने कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के बाद हमने इसकी राइटिंग को चेंज कर देना है। राइटिंग को चेंज करने के बाद हमने इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। आप इसे डन कर दें। आपने इसे जो आपने पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था वाइट कलर का, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पर एक स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखें तो डिलीट के ऊपर एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पहला ऑप्शन आ जाए कैप्चर एंड सेव फ्रेम एड प्ले है, आपने यहाँ पर इसे क्लिक कर देना है। इस तरह हम कांच मास्टर से इजीली थंबनेल बना सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल टेक्निकल नेमर टिप को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।